बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ग्रेन साइज एनालिसिस। ग्रेन साइज एनालिसिस क्या होता है, ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला जो होता है हमारा सीव एनालिसिस होता है, और जो दूसरा टाइप का होता है वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। सीव एनालिसिस जो होता है हमारा, ये किसके लिए यूज होता है, कोरस ग्रेन सॉइल के लिए हमारा यूज होता है जो हमारा सीव एनालिसिस होता है वो। और जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या फाइंड करते हैं हम, ग्रेन साइज एनालिसिस में हम क्या फाइंड करते हैं कि जैसे कि हमारा जो कोर्स ग्रेन साइज सॉइल रहता है, इसका रेंज तो हमको पता है 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल लाई करता है, और जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो लेस देन 75 माइक्रोन जितने भी साइज होते हैं हमारे फाइन ग्रेन सॉइल में आ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल का जो रेंज है 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में कितने सारे साइज आ जाते हैं ना, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से साइज के जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा है कोर्स ग्रेन सॉइल में, कौन से साइज के पार्टिकल डोमिनेंट कर रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हम ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं। 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में बहुत सारे साइज लाई करेंगे, तो उसमें से भी कौन सा साइज जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो कोर्स ग्रेन के लिए हम सीव एनालिसिस करेंगे, और जो हमारा फाइन ग्रेन है इसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। सेडिमेंटेशन एनालिसिस का भी दो टाइप होता है, एक होता है हाइड्रोमीटर और दूसरा होता है पीपेट मेथड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बस इसको आप ध्यान रखिए कि इसके दो टाइप होते हैं, हाइड्रोमीटर होता है, पीपेट मेथड होता है। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सीव एनालिसिस क्या होता है, ये किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। मतलब इनका जो साइज रहता है वो 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में होता है। तो ये जो हमारा सीव एनालिसिस है इसको भी हम दो पार्ट में करते हैं, पहला जो रहता है हमारे ग्रेवल के लिए करेंगे, और जो दूसरा टाइप रहेगा उसमें हम किसके लिए करते हैं, सैंड के लिए करते हैं। जब हम ग्रेवल के लिए करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स सीविंग बोलते हैं, और जब हम सैंड के लिए करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइन सीविंग बोलते हैं। ठीक है, फाइन सीविंग इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइन ग्रेन सॉइल में हो रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल में ही हो रहा है, लेकिन हम इसको किसके लिए कर रहे हैं, सैंड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स ग्रेन में तो हमारे सैंड भी आते हैं, ग्रेवल भी आते हैं। जब हम ग्रेवल के लिए करेंगे इसको तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोर्स सीविंग बोलेंगे, और जब इसको हम सैंड के लिए करेंगे तो इसको हम फाइन सीविंग बोलेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फाइन सीविंग मतलब ये नहीं है कि इसको हम फाइन ग्रेन के लिए कर रहे हैं, फाइन ग्रेन के लिए तो हम डायरेक्ट सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, और जो हमारा सीव एनालिसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन में होता है। कोर्स ग्रेन में भी दो टाइप होते हैं, कोर्स सीविंग फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग हमारा ग्रेवल के लिए होता है जिसका जो साइज रहता है वो 4.75 mm से 80 mm के बीच में लाई करता है, और जो हमारा फाइन सीविंग होता है ये हमारा सैंड के लिए होता है, इसका जो साइज का रेंज होता है वो, इसका जो सॉइल के साइज का रेंज होता है वो 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कोर्स सीविंग हम कैसे करते हैं और हमारा जो फाइन सीविंग है वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कोर्स सीविंग। हमने जनरली जो हमने कॉलेज में लेबोरेटरी में परफॉर्म किया है वो हमने कोर्स सीविंग ही किया है। तो हमारा जो कोर्स सीविंग रहता है इसमें हम सीव्स का यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपको शो हो रहा है, ये हमारे क्या है, सीव्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज होता है इनका, इसको भी मैं अभी आगे बताने वाली हूँ क्या साइज होता है इनका। तो इस तरह से ये जो है हमारे सीव्स होते हैं, और ये जो सीव्स होते हैं इसको हम अरेंज कर देते हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे नीचे जो रहता है हमारा क्या रहता है, सबसे कम साइज का रहता है, और सबसे ऊपर जो रहता है सबसे ज्यादा साइज का सीव रहता है। साइज मतलब क्या है कि ये जो आप इसके अंदर का देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर का जो ये जो साइज दिख रहे हैं, इसके जो होल के साइज हैं, इस साइज की बात हो रही है। किसी का साइज जो 80 mm है, मतलब कि इसके होल का साइज हम देखेंगे। ठीक है, 80 mm है किसी भी सीव का साइज, इसका मतलब है कि उससे 80 mm डायमीटर के जो पार्टिकल्स है वो पास हो जाएंगे। 80 mm साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो उनका वो क्या होंगे, इजिली पास कर जाएंगे। 80 mm साइज ऑफ सीव का मतलब है। ठीक है, ये जो है हमारा मान लेते हैं कि 40 mm का है, मतलब 40 mm डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं इस सीव से इजिली पास कर जाएंगे। किसी इसका साइज है 20 mm, मतलब कि 20 mm डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं इस सीव से इजिली पास कर जाएंगे। सीव्स मतलब कि ये जो आप छेद देख रहे हैं इसके अंदर, ये जो होल्स शो हो रहे हैं आपको, इनसे इजिली पास हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीव एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, वो जो सीव को हमने वहां पे अरेंज किया था उसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। हम मानते हैं कि जो हमारा हमारा जो फर्स्ट साइज रहता है वो क्या रहता है, 80 mm साइज का सीव रहता है।
ठीक है, ये क्या यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं हम, कोर्स सीविंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेवल के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 4.75 से 80 mm के बीच में रहेगा। तो ये देखिए जो सबसे कम जो सीव रहेगा साइज का वो कितने का रहेगा हमारा, 4.75 mm का रहेगा, और सबसे ज्यादा का जो सीव रहेगा हमारा किसका रहेगा, 80 mm का रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या करता है, ग्रेवल का साइज जो है वेरी करता है। और इनके बीच का जो सीव हम यूज करते हैं, ये भी आप देखिए, इसका जस्ट हाफ हम इसके नीचे प्लेस करते हैं तो ये कितने का होगा, 40 mm का होगा, और इसका हाफ हम इसके नीचे प्लेस करते हैं तो कितना होगा, 20 mm का होगा, और इसका हाफ हम यहाँ प्लेस करते हैं तो ये कितना होगा, 10 mm का होगा, और इसका हाफ लगभग 5 mm का होगा। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, रेंज हमारा 4.75 तक रहता है, तो हमने यहाँ पे 4.75 mm का सीव यूज किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के सीव को हमने कोर्स सीविंग में यूज किया है, ठीक है। लेबोरेटरी में भी हम इसी साइज के सीव्स का यूज करते हैं, हम ऐसी कुछ भी यूज नहीं कर लेते हैं, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो फिर जो भी पार्टिकल जो है हमारे 80 mm से पास हो जाते हैं, मान लीजिए कि जो भी पार्टिकल है हमारे वो किस साइज के हैं, 35 mm का साइज का है, तो हमारा जो 35 mm साइज का जो पार्टिकल रहेगा वो इजिली 80 mm वाले से पास कर जाएगा, और जो हमारा 35 mm का साइज का है और ये जो सीव का साइज है वो कितना है, 40 mm का है, तो ये इस सीव से भी पास कर जाएगा। लेकिन जो हमारा 35 mm का साइज का है ना, तो यहाँ पे ये इसका साइज कितना है, 20 mm का है, तो यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, रिटेन कर जाएगा, रिटेन कर जाएगा मतलब कि इस सीव में रुक जाएगा, क्योंकि ये जो सीव का साइज है वो कितना है, 20 mm का है। तो इसी तरह से यहाँ पे सीव एनालिसिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल हैं अपने से छोटे वाले साइज में रुक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 mm साइज का ये सीव का साइज है, ठीक है, 12 mm साइज का कोई भी पार्टिकल होगा तो वो ये सारे से पास कर जाएगा, क्योंकि 80 से भी पास कर जाएगा, 40 से भी, 20 से भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 mm का है, और जो हमारा पार्टिकल का साइज है 12 mm का है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिटेन कर जाएगा, और जो 10 mm से कम साइज का जो पार्टिकल होगा वो क्या कर जाएगा, यहाँ से पास कर जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट साइज है वो क्या है, 4.75, तो हमारा जैसे कि हमने क्या लिया है, ग्रेवल को लिया है, तो हमारा जो साइज होगा 4.75 से कम तो होगा नहीं, मतलब कि सारे जो पार्टिकल्स होंगे इसमें वो कहाँ पे रिटेन करेंगे हमारे जाके, ये जो 4.75 वाला आपको दिख रहा है ये जो सीव रहेगा यहीं पे जाके हमारा जो सारा पार्टिकल रहेगा वो रिटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा जो पार्टिकल है वो मिनिमम हमारा साइज कितना है, 4.75 mm का साइज का है, इससे कम का साइज का नहीं है, इससे कम के साइज का अगर हम पार्टिकल लेंगे तो वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, लेकिन हमारा ग्रेवल है मतलब 4.75 mm साइज तक का ही है, तो यहाँ पे जो सारा जो पार्टिकल रहेगा वो क्या करेगा, रिटेन कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कोर्स सीविंग की बात, तो इसी का यूज करके ये जो हम सीव एनालिसिस किए हैं इसी का यूज करके हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है, जिसका हेल्प लेके हम क्या फाइंड करते हैं, फाइननेस मॉड्यूलस को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बनाते हैं हम, फाइननेस मॉड्यूलस को हमको फाइंड करना है। फाइननेस मॉड्यूलस हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, कि हमने जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि हमारा जो कोर्स ग्रेन है उसका जो पार्टिकल का जो रेंज है वो क्या है, 4.75 से 80 mm तक का है, तो इसमें से हमारा कौन सा जो साइज का पार्टिकल है वो ज्यादा प्रेजेंट है, ये जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीव एनालिसिस कर रहे हैं, और फाइननेस मॉड्यूलस का यूज करके ही हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल हमको पता चल जाएंगे, कौन से जो पार्टिकल है वो 80 mm में रिटेन कर गए, कौन से पार्टिकल हमको 40 में रिटेन कर दे, 20 में, 10 में, 4.75 में, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी, सीव एनालिसिस से मिलेंगी, और इसका यूज करके हम फाइननेस मॉड्यूलस निकालेंगे, और फाइननेस मॉड्यूलस से हम क्या पता करेंगे कि कौन से साइज का जो पार्टिकल है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे कोरस ग्रेन सॉइल में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, सीव साइज। सीव साइज हमारा क्या है, हमने देखा है यहाँ पे हमारा जो साइज होता है फर्स्ट जो रहेगा 80 mm का रहेगा, 40, 20, 10 और 4.75, ठीक है, यहाँ पे आप हाफ हाफ करते जाएंगे हम। तो फिर यहाँ पे हम मान के चलते हैं, अब हम मान लेते हैं कि कितना वेट रिटेन हुआ, हम सेकेंड कॉलम में क्या लिखते हैं, वेट रिटेन्ड, ठीक है। तो हम मानते हैं यहाँ पे कि हमारा जो 80 mm का जो सीव था उसमें 5 kg का वेट जो है रिटेन हुआ है, टोटल हमारा क्या था 100 kg का हमने सॉइल यहाँ पे लेके रखा है जिसमें कि 5 kg का जो सॉइल है वो रिटेन हुआ है, और इसका जो वेट परसेंटेज वेट रिटेन हम लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा वेट रिटेन इसी का हमको क्या लिखना है, परसेंटेज लिखना है। तो परसेंटेज के लिए क्या हम करते हैं, जितना हमारा आया अपॉन टोटल इंटू 100 हमारा क्या आता है, परसेंटेज आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी बता दिया है आपको कि यहाँ
पे 5 kg का हमारा वेट रिटेन हुआ, तो इसको परसेंटेज में हमारा क्या हो जाएगा, 5 kg रिटेन हुआ अपॉन टोटल हमारा कितना था सॉइल का वेट, हमारा 10 kg का हमारा टोटल था और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5% का हमारा जो है परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा उसमें हम क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, मतलब कि यहाँ पे जितना भी परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन आ रहा है उसको हम सम करते जाएंगे, ठीक है। ये जो टेबल रहेगा ये जब बन जाएगा तो फिर इससे मैं आपको बता दूंगी ये वाला टेबल हमारा कैसे हुआ है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेबल है वो क्या रहता है, परसेंटेज फाइननेस, मतलब कि कितना परसेंट का जो सॉइल है ये पास हुआ है, परसेंटेज फाइननेस मतलब कि कितना परसेंट का सॉइल हमारा क्या है पास कर गया है। चलिए हम देखते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे वेट रिटेन, हमारा जो 80 mm में हमारा कितना वेट रिटेन किया है, 5 kg का वेट रिटेन किया है और कितना परसेंटेज हम लिखते हैं तो हमारा कितना आता है 5% का आता है। इसके बाद हम 40 mm में जाते हैं, 40 mm में हमारा कितना kg का वेट जो है रिटेन किया है, 15 kg का वेट रिटेन किया है और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 अपॉन जो हमारा टोटल है मतलब की 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 15% ही आएगा, तो हमारा जो परसेंटेज वेट रिटेन है वो 15 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा हम मान के चलते हैं कि हमारा 20 mm साइज पे जब जाते हैं तो हमारा जो कितना वेट रिटेन करता है हमारा जो सॉइल है इसका, 35 kg का जो सॉइल है क्या हो जाता है रिटेन कर जाता है 20 mm के सीव में, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 35 बाय 100 × 100, तो ये क्या आ जाएगा 35% आ जाएगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पे 10 mm का जब जो साइज है सीव का, इसमें हम मान के चलते हैं कि 20 kg का जो वेट है वो यहाँ पे रिटेन कर रहा है, तो फिर इसका जो परसेंटेज वेट है ये हमारा क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी 25 kg का इसमें रिटेन करता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25% का आ जाएगा परसेंटेज वेट रिटेन। ये जो वेट रिटेन है हम कैसे निकालेंगे, लेबोरेटरी में निकालेंगे, जैसे कि हमारा जो सॉइल प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा वेरी करेगा। हमने यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लिए समझने के लिए कि हम कैसे निकालते हैं फाइननेस मॉड्यूलस, ठीक है। तो हमने ये जो दो कॉलम है इसको यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे आप सम भी कर सकते हैं, जो हमारा परसेंटेज वेट रिटेन है इसको आप सम भी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 kg का मिलेगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो कितना है 4.75 है, तो हर एक सीव में कुछ ना कुछ वेट तो रिटेन करेगा ही, सारे सीव से अगर कोई भी सॉइल का पार्टिकल है वो पास कर भी जाता है तो 4.75 में रिटेन करेगा ही, क्योंकि हमारा जो मिनिमम सीव का जो साइज है वो कितना है 4.75 mm का है, तो फिर जो हर किसी से पास कर भी जाता है लेकिन 4.75 में वो रिटेन करेगा ही, इसीलिए हम क्या करेंगे सबको सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सारे जो सीव है उसमें जो भी रिटेन हो रहा है उनको हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 100 kg का जो है वेट रिटेन हो रहा है ये हमको मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100% का आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हमारा क्या है। क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव में हमने कई बार देखा इसको स्टैटिस्टिक में, मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक में हम जब यूज करते थे इसको, क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं कि जो भी ऊपर का रहता है उसको हम प्लस करते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5% वेट रिटेन है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया एज इट इज 5% लिख दिया। यहाँ पे कितना वेट रिटेन हुआ है 15% का रिटेन हुआ है, लेकिन इससे ऊपर हमारा कौन सा साइज का सीव है, ये हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है 40 mm के करस्पॉन्डिंग है, इससे ऊपर हमारा क्या है 80 mm का हमारा सीव ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसमें कितना साइज रिटेन हुआ है 5% का साइज रिटेन हुआ है, तो हम हमारा जो टोटल जो वेट कितना रिटेन हुआ है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है टोटल, ठीक है। तो यहां तक हमारा टोटल कितना वेट रिटेन हुआ हमारा क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15% प्लस 5% हमको कितना देगा यहाँ पे 20% देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हमने कैसे निकाला यहाँ पे। इसके बाद सिमिलरली देखिए यहाँ पे 20 mm में हमारा क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कैसे आया 55%, यहाँ 20 mm में हमारा कितना आया है परसेंटेज वेट रिटेन 35% आया है, और इससे पहले दो साइज के सीव ऑलरेडी प्रेजेंट है 80 mm का और 40 mm का, और इसमें जो है हमारा कितना साइज रिटेन हुआ है टोटल 20% का रिटेन हुआ है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर लीजिए 35% का इस सीव में रिटेन हुआ, इससे पहले 15% हमारा 40 वाले में रिटेन हुआ और इससे पहले 5% हमारा 80 वाले में रिटेन हुआ, तो इन तीनों को हम सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 55% आ जाएगा, या फिर ये जो है हमारा 20 mm में 35% रिटेन हुआ है और यहाँ तक हमारा कितना है क्यूमुलेटिव 20% आया, तो इन दोनों को भी सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 55% आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 10% में भी देखेंगे कि हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कितना आएगा, इसमें हमारा 20% रिटेन हुआ है और इससे पहले जितना भी रिटेन हुए हैं ये सारे को हम प्लस कर देंगे प्लस 20, तो हमारा क्या देगा यहाँ पे 75% देगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं
कि ये 4.75 में हमारा कितना परसेंटेज वेट रिटेन हुआ है, 25% का हुआ है, प्लस इससे पहले जितने भी यहाँ पे रिटेन हुए हैं वेट, इनको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना देगा, हमारा यहाँ पे 100% का देगा। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन हमारा टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 100% का आ रहा है। इसके बाद जो देखिए हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है, परसेंटेज फाइननेस, ये हम कैसे निकालते हैं, टोटल हमारा कितना है 100% है, ठीक है। सॉइल परसेंटेज फाइननेस में हम क्या लिखते हैं कि कितना परसेंट हमारा जो है पास हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा जो सीव है वो 80 mm है, तो 80 mm तक में हमारा कितना परसेंटेज जो है रिटेन किया है, 5% हमारा क्या हो रहा है, रिटेन कर रहा है। तो हमारा पास कितना हो जाएगा, 95% पास कर जाएगा। 100 - 5% कितना देगा, 95% देगा। उसके बाद हम 40 mm में आते हैं, 40 mm तक में हमारा कितना जो सॉइल है वो रिटेन किया है, हम जैसे कि हमने देखा कि 80% में 5% किया और 40 में 15% किया, मतलब कि 40 mm तक में हमारा 20% जो सॉइल है वो रिटेन कर गया है। तो 100 - 20 हमारा कितना आ जाएगा, 80% हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे 20 mm सीव की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 mm में हमारा कितना परसेंटेज जो है यहाँ पे रिटेन किया है, 35% यहाँ पे रिटेन किया है, और इससे पहले भी 20% जो सॉइल है वो रिटेन कर चुका है ऑलरेडी। तो 35 + 20 कितना हो जा रहा है हमारा, 55% आ रहा है, और इसको जब हम 100 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 45% हमारा क्या होगा, परसेंटेज पास होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस कॉलम को हम कैसे बना रहे हैं, जो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है, इससे 100 से इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, कितना पास हुआ, या फिर परसेंटेज फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है। तो हमको किससे माइनस करना है, परसेंटेज फाइनेंस निकालने के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन वाला जो कॉलम है इसको 100 से माइनस करना है, तो हमको क्या दे देता है, परसेंटेज फाइनेंस का यहाँ पे कॉलम मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 10 mm तक में टोटल हमारा कितना सॉइल रिटेन कर गया, 75% का सॉइल जो है रिटेन कर गया है, मतलब कि 25% उसमें पास होकर गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% होगा। और यहाँ पे 4.75 mm में पूरा 100% सॉइल रिटेन कर जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि कितना पास करेगा, फिर यहाँ पे 0% पास करेगा, क्योंकि हमारा जो सॉइल इसका साइज ही कितना तक है, 4.75 mm तक है, इससे छोटा तो है नहीं, तो पास तो करेगा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज फाइननेस, यहाँ पे कितना सॉइल पास हुआ ये हमारा क्या होगा, 0% का आएगा। अब जैसा कि हमने ये टेबल बना लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइननेस मॉड्यूलस को फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कौन से साइज का जो पार्टिकल है वो ज्यादा प्रेजेंट है इन सारे साइज में से। देखिए, तो फाइननेस मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं, फाइननेस मॉड्यूलस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन अपॉन 100। तो सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा देखिए क्या आया है, सम, ये जो हमारा क्यूमुलेटिव वेट रिटेन आया है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन आया है, ये सारे को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हमको क्या देता है, 255% का हमारा आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन हमारा जो होगा वो हमारा 255 का हो जाएगा। तो जो हमारा फाइननेस मॉड्यूलस है इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2.55 का आ रहा है। अब ये 2.55 का आ तो गया है, तो इस ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे ये हम देखते हैं, यहाँ पे नोट करके हम मैंने इस चीज को लिखा है, द वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉड्यूलस 2.55 कम्स इन बिटवीन नंबर 2 and 3 विच शॉल बी काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, देयरफॉर फॉर द गिवन सॉइल द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 10 mm - 20 mm। देखिए यहाँ पे आखिरी में लिखा है कि द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 10 mm - 20 mm। ये हमने किससे फाइंड आउट कर लिया, इस फाइननेस मॉड्यूलस से ही फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया है अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2.55 जो आ रहा है हमारा वो किसके बीच में लाई कर रहा है, सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे लाई कर रहा है, जो कि हम कहाँ से काउंट करेंगे, नीचे से काउंट करते हैं। ये जो आपने टेबल बनाया है इसको आप काउंट करिए, ठीक है, नीचे से काउंट करिए। जो हमारा फर्स्ट नंबर जो असाइन होगा ये क्या होगा, जो बॉटम वाला होगा ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हम आएगा हमारा फिफ्थ आएगा। और हमारा जो क्या है फाइननेस मॉड्यूलस 2.55 का आया है, तो 2.55 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है 2 है और ये हमारा क्या है 3 है, तो इन दोनों के बीच में ये दो नंबर है। हम हमेशा नंबरिंग नीचे से करेंगे, आप कभी ऊपर से मत करिए, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो फिर गलत आ जाएगा। नीचे से हमको नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें देखना है कि कौन से नंबर के बीच में हमारा जो है फाइननेस मॉड्यूलस लाई कर रहा है। तो 2 से 3 के बीच का जो रेंज होगा उसमें हमारा फाइननेस मॉड्यूलस लाई करेगा 2.55 का, जैसा कि आया है। तो 2 से 3 के बीच में हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा साइज है ये हमारा क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो 20 mm का है, 2 के करस्पॉन्डिंग जो साइज है हमारा क्या है 10 mm का है। इसका मतलब ये शो होता है कि जो हमारा सॉइल में जो पार्टिकल प्रेजेंट है
या फिर जो हमारा एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है हमारे जो सॉइल का वो कितना है, 10 mm से 20 mm के बीच का है, ठीक है। तो इन दोनों साइज के बीच का जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। तो देखिए हमने यहाँ पे पता कर लिया इसी चीज को जो यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ वेरीज कर रहा है, 10 mm से 20 mm के बीच में हमारा वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हमने कोरस सीविंग करके जो हमारा ग्रेवाल है उसमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कितना है या किस साइज का जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ये हमने फाइंड आउट किया, जो कि हमारा 10 mm से 20 mm के बीच का आया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो है कोर्स सीविंग का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फाइन सीविंग को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।